मैं क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो में मैं टोनी स्टार्क का ये वाला स्केच करने जा रहा हूँ, और इस वाले स्केच को मैं ब्लैक और ब्लू बॉल पेन का यूज करूंगा, जो 2 या 3 रुपए का आता है। आप लोगों ने अब तक बहुत बार यूज किया ही होगा उसका। इससे पहले मैंने लास्ट टाइम कैप्टन अमेरिका को स्केच किया था बॉल पेन से, आप यहाँ पे देख सकते हैं उसकी तस्वीर, तो वो ज्यादा स्मूथ शेडिंग नहीं हो पाई थी फर्स्ट टाइम से। तो इस वाले को मैं स्मूथ और रियलिस्टिक ड्रॉ करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब चैनल का नाम से बाय यूजिंग ओनली एज यू पेंसिल है, लेकिन मैं इसके ऊपर हर एक मीडियम में पेंटिंग और स्केच करना चाहता हूँ, लेकिन मोस्टली ग्रेफाइट वर्क जो है मैं सिर्फ एज यू पेंसिल का यूज़ करके करूँगा। तो इस बारे में तो मैं बॉल पेन यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर करते हैं फिर।
पूरा देखने के लिए। और इस वाले को पूरा कंप्लीट करने में मुझे मिनिमम 10 घंटे लगे होंगे। तो मतलब कैप्टन अमेरिका के लास्ट टाइम जो मैंने बॉल पेन का यूज करके किया था उससे तो ज़्यादा ही अच्छा स्केच हुआ टोनी स्टार्क का, वो काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है। लेकिन इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा आपके फ्लूड का भी यूज किया, जहाँ पे पेन जो है ओवरफ्लो कर जाते हैं वहाँ पे डॉट पड़ जाते हैं। अगर आप लोगों ने इस पेन का यूज़ किया तो आपको पता होगा कि कैसे होते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल फाइनल रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना, फ्यूचर में ऐसे और वीडियो देखने को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए।